Hello students, today I am going to teach you lesson number 2, the sound of music, Llewellyn, Glennie, Deborah Cowley. Deborah Cowley author है the sound of music की. उसके अंदर दो units हैं जिसमें से हम first पढ़ रहे हैं the sound of music. First, Llewellyn, Glennie listens टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. पार्ट वन में Llewellyn, Glennie के बारे में बता रखा है जो कि साउंड सुनती है, जो कि साउंड बिना सुनने की क्षमता नहीं, उसको डेफनेस है, मीन्स वो बहरी है, उसको साउंड सुनाई नहीं देता, फिर भी बिना सुने वो साउंड को फील करती है, सुनती है, समझती है, इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, बजाती है. थीम ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के थीम में क्या है? Llewellyn, Glennie is a multi percussionist. Llewellyn, Glennie जो है वो मल्टी परक्यूशनिस्ट है, मीन्स अलग अलग तरीके के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो बजा लेती है, उसको परक्यूशनिस्ट बोलते हैं. शी कैन प्ले अबाउट 1000 इंस्ट्रूमेंट्स विद परफेक्शन. परफेक्शन के साथ वो 1000 इंस्ट्रूमेंट बजा सकती है. शी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. वो साउंड सुनती है बिना, वो साउंड सुनती है, समझती है बिना हियरिंग के. Llewellyn fought against a physical disability and become a source of inspiration for thousands of disabled persons. जो Llewellyn, Glennie है वो लड़ाई करती है, उसकी जो फिजिकल डिसेबिलिटी है यानी जो डेफनेस है उसके अगेंस्ट लड़ती है और थाउजेंड्स ऑफ लोगों की इंस्पिरेशन बनती है. जो थाउजेंड्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन है उनकी इंस्पिरेशन बनती है. कम टू द चैप्टर पार्ट वन. रश आर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है, वहां पे बहुत हलचल है और मतलब पुश रफली एक दूसरे को सब धक्का दे रहे हैं इस तरीके से. ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स जो वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. जो एक लड़की है, मीन्स एक स्मॉल और थिन स्लाइट गर्ल यानी एक स्मॉल और थिन लड़की है, वो मतलब जवान है, देन 17 ईयर्स से भी मतलब 17 ईयर्स की भी नहीं है, उससे भी ज्यादा यंगर है, बट नर्वस है और एक्साइटेड भी है क्योंकि जो ट्रेन आ रही है उसकी वाइब्रेशन को फील कर पा रही है. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टीजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म. जो ये जो लड़की है उसका पहला दिन है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन में और फ्रेटनिंग जो थोड़ी बहुत डरी हुई है, टीनेजर फ्रेश टीनेजर है स्कॉटिश फॉर्म में, बट दिस इंस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ डेफ. वो डेफ मीन्स वो लड़की सुन नहीं सकती. Llewellyn, Glennie's लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. हर मदर रिमेम्बर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वेन द 11 ईयर ओल्ड Llewellyn वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. उसकी जो मदर थी Llewellyn, Glennie की जो मदर थी उसको आज भी याद है कि उसको कब ऐसा महसूस हुआ, कब ऐसा पता चला कि उसकी जो बेटी है, डॉटर है, वो सुन नहीं सकती है. जब वो 8 साल की थी और उसका पियानो बजाने के लिए नंबर आने वाला था और उसको बुलाया जा रहा था, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. वहां पे उसका नंबर आ चुका था पियानो बजाने के लिए स्कूल में और उसको आवाज लगाई जा रही थी बट वो सुन नहीं रही थी. तब उसकी मदर को फील हुआ कि कुछ प्रॉब्लम है. जब वो 8 साल की थी, आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज Isabel Glennie. Isabel Glennie उसकी मदर का नाम है और उसको एकदम से उसका नाम जब बुलाया तो उसको ऐसा रियलाइज हुआ कि शायद वो सुन नहीं पा रही. फॉर क्वाइट ए वाइल Llewellyn मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. बहुत टाइम तक जो Llewellyn ने मैनेज किया और छुपा के रखा कि उसकी जो डेफनेस है, जो बहरापन है, उसके बारे में उसकी टीचर को, उसके फ्रेंड्स को ना पता चले, बट
By the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जब वो 11 साल की हुई तो ये डिटेरियोरेट हो गया, सबको पता चल गया कि उसको डेफनेस की प्रॉब्लम है और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने उसके पेरेंट्स से अर्ज की कि आप इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले लीजिए. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. उस टाइम पे ये डिस्कवर हुआ कि उसकी ग्रेजुअल नर्व डैमेज, दिमागी विनाश है उसके, डैमेज होने की वजह से उसको सुनाई नहीं देता है. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. उसको एडवाइस की गई, मीन्स इवेलिन के पेरेंट्स को एडवाइस की गई कि उसको हियरिंग एड्स होते हैं वो फिट करने के बाद उसको स्कूल में, जो डेफ के स्कूल होते हैं उसमें भेज सकते हैं. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज इवेलिन. इवेलिन को मतलब हर चीज खराब नजर आने, ब्लैक नजर आने लगी कि, बट इवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. पर इवेलिन ने कभी भी हार नहीं मानी, गिव अप नहीं की. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड इन नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. इवेलिन ने ठान लिया कि वो नॉर्मल लाइफ जिएगी, डेफ वाली लाइफ नहीं जिएगी. और नॉर्मल लाइफ जैसे लोग जीते हैं उसी की तरह जीते हुए और उसका जो इंटरेस्ट म्यूजिक में है उसको परस्यू करें. वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए ज़ाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले टू. एक बार उसका एक टीचर था और जब इवेलिन जो है वो ज़ाइलोफोन बजा रही थी तो उन्होंने नोटिस किया कि वो बिना सुने इतना अच्छा ज़ाइलोफोन बजाने की कोशिश कर रही है, उसके नोट्स को फील करने की कोशिश कर रही है, पकड़ने की कोशिश कर रही है. तो उन्होंने डिसाइड किया शी वॉन्टेड टू प्ले टू कि वो भी उसको बजाना चाहती है और बजा सकती है. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. बहुत सारे जो टीचर्स थी, मोस्ट ऑफ द टीचर्स, ज्यादातर टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया कि वो नहीं कर सकती, कि वो नहीं कर सकती है, वो डेफ है, वो कैसे इसमें आगे बढ़ेगी. लेकिन उसका जो परक्यूशनिस्ट टीचर था, मीन्स जो म्यूजिक टीचर था, जो सारे इंस्ट्रूमेंट टीचर्स था, जो इंस्ट्रूमेंट बजाता था, जिसका नाम था रॉन फॉक्स, उसने उसकी पोटेंशियल को देख लिया. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उसने दोनों जो नोट्स हैं, मतलब दोनों जो ड्रम थे उनको अलग अलग नोट्स पे बजाना स्टार्ट किया. उसका जो टीचर था रॉन फॉक्स, उसने डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, वो उनसे कहा करता था. उसने टीचर ने इवेलिन को कहा था कि अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कोशिश करो उसको दूसरे तरीके से सेंस करने. सेज इवेलिन सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. उसने सडनली इवेलिन जो है उसने कहा कि उसको रियलाइज हो रहा है कि वो फील कर सकती है, जो हायर ड्रम है बजाती है उसको अपने वेस्ट से ऊपर की साइड को फील कर सकती है और जो लोअर ड्रम जब वो बजाती है तो उसको अपने वेस्ट से नीचे की साइड पे फील कर सकती है. एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट ड्रम पॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून इवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. सो जो फॉक्स था उसने यही एक्सरसाइज रिपीट करवाई उससे और रिपीट करवाने के बाद जल्द ही जो इवेलिन थी उसने ऐसा सेंस किया कि जो नोट्स है वो उसको अलग अलग पार्ट्स में, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फील हो रहे. आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस. उसने सीखा कि किस तरीके से अपने दिमाग से और उसकी बॉडी के साउंड से, उसके वाइब्रेशन से वो सेंस कर सकती है. द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. जब वो इस फील्ड में आगे बढ़ गई तो उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ
orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उसने एक बार जब इस फील्ड में आगे बढ़ गई तो उसने पीछे मुड़के कभी नहीं देखा. फिर उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया. उसका जो यूथ ऑर्केस्ट्रा टीम थी उसके साथ जब वो 16 साल की थी तभी, और उसने डिसाइड किया कि म्यूजिक को ही वो अपनी लाइफ बने. ऑडिशन मतलब होता है गिव ए शॉर्ट परफॉर्मेंस दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वॉज गुड और नॉट. शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. जो उसने ऑडिशन दिए रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में, उसने ऑडिशन दिए और उस ऑडिशन में वो फर्स्ट आई. मीन्स उसने हाइएस्ट मार्क्स अटेन किए जो कि अभी तक की हिस्ट्री में किसी ने भी नहीं लिए थे. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. अब वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से, यानी जब वो पूरे सब लोगों के साथ मिलके बैंड में काम करती थी, मतलब बैंड के साथ मिलके करती थी, अब उसने सोलो परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दी थी. एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर्स कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. जब उसको उस यूनिवर्सिटी में 3 साल हो गए, तब उस टाइम यानी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसने 3 साल का कोर्स किया. 3 साल के कोर्स के एंड में उसको कैप्चर किया गया मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, सबसे टॉप अवार्ड्स उसको मिले. एंड फॉर ऑल दिस इवेलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. If you work hard and know where you are going, you will get there. Evelyn ने ऐसा कहा कि अगर आप बहुत मेहनत करते हो और आप जानते हो कि आपको किस रास्ते पे चलना है, उस रास्ते पे चलते हो अगर आप बहुत मेहनत करते हो तो आप उस जगह पे जरूर पहुंचोगे जहां पे आप जाना चाहते हो. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule. अब उसने पूरे वर्ल्ड में टॉप मोस्ट पोजीशन ले ली थी और जानी जाती थी वो ऐसे परक्यूशनिस्ट जो कि मास्टरी की हुई है 1000 इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी 1000 ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में, एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच इवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. ये बहुत फैसिनेटिंग था, क्यूरियस था लोगों के लिए कि ऐसे इंसान का म्यूजिक सुनना जो कि खुद सुन नहीं सकता है. इन आर टू आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड. 2 घंटे की ये डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया. मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड. एक जो मैन था वो बुशी बियर्ड थी उसकी, वो हंसता था, वो उसने ट्रबल किया बट वो हंसी. इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस एस्पेशली द आईज. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिप्ट. मीन्स उसका बोलने का तरीका, वो जो उसके वॉचिंग, वो कहती है म्यूजिक सिर्फ उसको सुनना नहीं है, उसके लिप्स को देखना नहीं है कि वो क्या गा रही है. इट्स अ होल फेस, पूरा फेस है, उसकी आंखें हैं जो कि फ्लॉलेसली बताती है. एक स्कॉटिश बोलने का तरीका है. माय स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11. शी सेज, उसने बोला मेरी स्पीच जो है वो बहुत क्लियर है क्योंकि मैं 11 साल की उम्र से सुन रही हूँ. बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज. That doesn't explain, पर वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई करती थी कि किस तरीके से उसने मैनेज टू लर्न फ्रेंच सीखना और मास्टर बेसिक जैपनीज. एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, म्यूजिक के लिए उसने एक्सप्लेन किया, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. ये मेरे बॉडी के पार्ट के हर छोटे छोटे छेद में से, मीन्स बॉडी के हर पार्ट में से म्यूजिक है, उसमें से निकलता है म्यूजिक, उसने एक्सप्लेन किया.
It tingles, means causes a slight pricking or stinging sensation. एक stinging sensation है, tingles in the skin. उसकी skin में एक sensation होती है, झुनझुनाहट होती है. My cheek bones, उसके जो cheek bones है वो भी उसको feel कर पाते हैं, झुनझुनाहट होती है. And even in my hair, मेरे hair तक वो music के sound को समझते हैं. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone बजाती है तो वो सेंस कर पाती है जो उसके फिंगर टिप्स हैं, जो स्टिक इनटू द पासिंग अप द स्टिक इनटू द इनटू हर फिंगर टिप्स. उसके फिंगर टिप्स से जो पास होता है म्यूजिक, तो उसके फिंगर टिप्स से वो महसूस कर पाती है. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेसोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. जब वो प्लेटफॉर्म पे होती है तो एकोज, जो साउंड एको करता है, मीन्स अपने प्लेटफॉर्म पे जब वो ड्रम बजाती है तो ड्रम बजाते बजाते अपने पैर को उस प्लेटफॉर्म पे पटकती है. उससे क्या होता है, जो साउंड होता है वो उसके जो पैर के तलवे है वहां से एंटर करता है और वो फील करती है. ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. जब मतलब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे जूते उतार के, शूज उतार के और बेयर फुट बैठती है, तो जो साउंड है उसका वाइब्रेशन उसके सोल से, मीन्स जो लेग की बेयर फीट होती है वहां से उसके लेग तक ऊपर तक फील करती है और वो साउंड एको करता है. नॉट सरप्राइजिंगली इवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टीजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. उसको ऑडियंस में, मतलब 1991 में प्रेजेंट मिला, प्रेजेंट किया गया उसको एक अवार्ड, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज का प्रेस्टीजियस सोलोइस्ट ईयर ऑफ द, मतलब सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से उसको सम्मानित किया गया. सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. मतलब गॉड ने, उन्होंने ऐसा कहा कि गॉड ने उसकी हियरिंग तो छीनी लेकिन उसके अलावा भी उसको पीछे से बहुत सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें दी. व्हाट वी हियर शी फील्स, जो भी हम सुनते हैं वो महसूस कर पाते हैं. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से हम लोग इतना उसे फील नहीं कर पाते जितना वो फील कर पाती है. दैट इज वाई शी एक्सप्रेसिस म्यूजिक सो ब्यूटिफुल, इसीलिए वो म्यूजिक को इतनी सुंदरता से एक्सप्रेस कर पाती है. इवेलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक. जो मींस इवेलिन थी, जो इवेलिन है, उसने कन्फेस किया कि वो वर्कहोलिक है. मींस ए पर्सन हु फाइंड्स डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग. मतलब वो काम कर, हर वक्त वो वर्कहोलिक यानी वर्क के लिए आदि हो जाना. मींस उसको काम करना इतना पसंद था कि वो रेस्ट नहीं करती थी, काम ही करती रहती थी. ऐसा इंसान जिसे काम रुकना पसंद ना हो अपने काम से. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक म्यूजिशियंस बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस. जो उसके बदले में उसको रिवॉर्ड होते थे बहुत बड़े होते थे. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स इवेलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. रेगुलर कॉन्सर्ट के अलावा जो इवेलिन थी वो फ्री कॉन्सर्ट दिया करती थी प्रिजन में, मीन्स जेल में, और साथ में हॉस्पिटल में. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. जो यंग म्यूजिशियंस थे उनको वो हाई प्रायोरिटी के क्लासेस भी अवेल कराती थी. एंड रिक्लिंग ऑफ द Beethoven Fund for deafness children says she is a shining inspiration for deaf children. उन्होंने ऐसा कहा कि वो deaf children की, यानी जो बहरे बच्चे होते हैं उनके लिए वो एक shining inspiration. They see that there is nowhere that they cannot go. उन्होंने उसमें ये देखा कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो जा नहीं सके. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age.
जो इवेलिन ग्लैनी है वो ऑलरेडी पूरा कर चुकी थी मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, जो कि उसकी उम्र के दुगने होने पर लोग पूरा कर पाते हो अपनी उम्र पे कर लिया उसने। शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पे वो मतलब परक्यूशन यानी इंस्ट्रूमेंट बजाती थी एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी न्यू। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन नॉट डू इट आई कैन एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। वो जो थी वो इंस्पिरेशन बनी बहुत से अपाहिज लोगों का, हैंडीकैप लोगों की, और पीपल हु लुक हर जो भी इंसान उसे देखते थे वो कहते थे इफ शी कैन नॉट डू इट, इफ शी कैन डू इट, अगर वो ये काम कर सकती है तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और इसके अलावा उसने सभी मिलियंस ऑफ लोगों को बहुत खुशी दी। सो दिस इज अ चैप्टर, दिस इज शॉर्ट चैप्टर ऑफ पार्ट वन एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर विथ शॉर्ट समरी एंड क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट लेक्चर।